नमस्कार, 10 को खबरों की खबर कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की कुछ खास खबरों के साथ। कानपुर में बेटी को गोद में लिया पिता पर पुलिस द्वारा बेरहमी से पिटाई पर मचा बवाल। वीडियो वायरल होने पर सोशल मीडिया पर मची अफरा तफरी। अमेरिका में 16 और 17 साल के युवाओं को लगेगी कोरोना की बूस्टर डोज। ओमिक्रॉन वेरियंट के खिलाफ लड़ने के लिए सरकार ने दी मंजूरी। परीक्षणों के लिए अभी कुछ दिन तक अस्पताल में रहेंगे ब्राजील के महान फुटबॉलर पेले। कीमोथेरेपी के लिए हुए थे इस हफ्ते भर्ती। बॉलीवुड एक्ट्रेस कटरीना कैफ और एक्टर विक्की कौशल ने राजस्थान के सवाई माधोपुर में रचाई शादी। सिक्स सेंसेस फोर्ट में हुआ सारा कार्यक्रम। अब पेटीएम के ग्राहकों को मिलेगी आम बैंकों जैसी सुविधाएं। आरबीआई ने दिया अनुसूचित बैंक का दर्जा। भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत का तमिलनाडु के कन्नौर में हेलीकॉप्टर हादसे में हुआ निधन। हादसे में उनकी पत्नी समेत 13 लोगों की गई जान। गुजरात के जामनगर में कोरोना के ओमिक्रॉन के 2 और मामले आए सामने। इसके साथ भारत में संक्रमण का कुल आंकड़ा हुआ 25। हरियाणा के रोहतक में धर्म परिवर्तन का आरोप लगाकर चर्च में घुसी दक्षिणपंथी समूह की भारी भीड़। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर स्थिति को संभाला। अहमदाबाद साइबर क्राइम ने फेसबुक पर जनरल बिपिन रावत पर अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में एक 44 वर्षीय व्यक्ति को किया गिरफ्तार। जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में उत्तर प्रदेश और हरियाणा में 8 दहेज रहित विवाह हुए संपन्न। विवाह करने वाले किसी भी पक्ष ने किसी भी प्रकार का दहेज न लिया और न ही दिया। ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत अफगानिस्तान से भारत आएगा सिख समूह। तालिबान से लौटने वाले सिख समुदाय के लोग गुरु ग्रंथ साहिब को ला रहे हैं अपने साथ। कोरोना की वजह से भारतीय महिला हॉकी टीम का एशिया चैंपियंस ट्रॉफी में अभियान खत्म। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते मैच को किया गया रद्द। अब उइगरों से जबरन बनवाए गए चीनी सामान की खरीद बंद करेगा यूएस। सरकार ने पास किया नया कानून। थाईलैंड में बॉस की डांट से नाराज महिला ने बड़े ही खतरनाक तरीके से लिया बदला। करोड़ों के गोदाम में लगा दी आग। तालिबान राज में हर रोज सीमा पार कर ईरान पहुंच रहे हैं हजारों अफगानी। रोजगार और एक बेहतर जिंदगी के लिए सरहद पार करते हैं सैकड़ों लोग। फ्लाइट की तरह ट्रेनों में भी अब होंगी ट्रेन हॉस्टेज। इंडियन रेलवेज ने किया ऐलान। ट्यूनीशिया की सबसे बड़ी इस्लामिक पार्टी के ऑफिस में लगी भीषण आग। जान बचाने के लिए दूसरी मंजिल से कूदे पूर्व पीएम। अंतरिक्ष में वैज्ञानिकों को मिला एक विशालकाय ग्रह। जुपिटर से भी 11 गुना बड़ा इसका आकार। भारतीय वास्तुकार बालकृष्ण दोषी को मिला ब्रिटेन का रॉयल गोल्ड मेडल 2022। पीएम मोदी और अन्य कई लोगों ने दी बधाई। मुंबई के मेयर को जान से मारने की मिली धमकी। पत्र में लिखा, दादा से पंगा लिया तो अंजाम भोगना पड़ेगा। लोकसभा में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, 86% वयस्कों को दी जा चुकी है कोरोना वैक्सीन की कम से कम एक खुराक। वहीं जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए देश में 36 लैब है उपलब्ध। प्रियंका गांधी के दौरे के दिन गोवा के कई नेताओं ने दिए इस्तीफे। बोले, चुनाव को लेकर गंभीर नहीं है पार्टी। रेचल से राजेश्वरी हुई लालू यादव की नई बहू। राजनीतिक परिवार की दुविधा दूर करने के लिए तेजस्वी की क्रिश्चियन दुल्हनिया ने कबूला हिंदू धर्म। अमेरिका की डेमोक्रेसी समिट में पीएम मोदी ने लिया हिस्सा। कहा, लोकतंत्र से अच्छे नतीजे मिले थे, मिले हैं और मिलते रहेंगे। पंजाब में अवैध रेत माइनिंग पर गरमाई सियासत। अब अवैध रेत माइनिंग पर सूचना देने वालों को सरकार देगी 25,000 रुपए का इनाम। कोरोना के नाम पर एक बार फिर से की जा रही है मुनाफा वसूली। महाराष्ट्र में गधी के दूध को इम्यूनिटी बूस्टर बताकर बेचने का मामला आया सामने। एक लीटर दूध की कीमत बताई जा रही है 10,000 रुपए। 378 दिन बाद किसान आंदोलन हुआ खत्म। दिल्ली बॉर्डर से उखड़ने लगे टेंट। 11 दिसंबर को होगा फतेह मार्च और 15 को पंजाब के सब मोर्चे होंगे खत्म। मुंबई एयरपोर्ट पर पकड़ी गई 247 करोड़ की ड्रग्स। 35 किलोग्राम हेरोइन लेकर आया था जिम्बाब्वे का कपल। यदि आपके नाम पर रजिस्टर्ड है 6 से ज्यादा सिम तो वेरिफिकेशन ना करने पर बंद हो सकता है नंबर। सरकार ने निर्देश देते हुए दी जानकारी। सिंगापुर में बूस्टर डोज लगवा चुके 2 लोगों के सैंपल में मिला ओमिक्रॉन का संक्रमण। नए वेरिएंट के खतरे से बौखलाए कई देश। न्यूजीलैंड में स्मोकिंग पर पूरी तरह बैन लगाने की हो रही है तैयारी। सरकार ने कहा, अगले साल तक बनाएंगे सख्त कानून। जर्मनी में अब 5 से 11 साल तक के बच्चों को लगेगी वैक्सीन। वैक्सीनेशन एडवाइजरी कमीशन ने की सिफारिश। म्यांमार में स्कूल छोड़ जंगल में सेना से मुकाबले की ट्रेनिंग ले रहे हैं किशोर बच्चे। तख्तापलट के बाद देश के एजुकेशन सिस्टम को हुआ है भारी नुकसान। 300 वैज्ञानिकों ने फेसबुक के CEO मार्क जुगरबर्ग को लिखा खत। फेसबुक और इंस्टाग्राम से बच्चों पर होने वाले मानसिक प्रभाव की तहकीकात करने के लिए मांगा रिसर्च का एक्सेस। जम्मू कश्मीर के शोपियान में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई भारी मुठभेड़। घटना में 3 दहशतगर्द हुए ढेर। बेखौफ आतंकवादियों ने कश्मीर के बांदीपुरा में किया हमला। हादसे में पुलिस के 2 जवान हो गए शहीद। कुतुब मीनार परिसर में देवी देवताओं की पूजा की नहीं मिली इजाजत। दिल्ली की अदालत ने ठुकराई याचिका। मणिपुर के छात्रों के निकाय ने नागालैंड में नागरिकों की हत्या के खिलाफ निकाली विरोध रैली। सुरक्षा बलों द्वारा 15 नागरिकों की हत्या के विरोध के रूप में छात्रों ने किया प्रदर्शन। अब व्हाट्सएप के जरिए बुक कराई जा सकेगी उबर की राइड। अब उबर ऐप डाउनलोड करने की नहीं होगी जरूरत। रोहिंग्या मुसलमानों ने फेसबुक पर किया मुकदमा। कंपनी पर नफरत को बढ़ावा देने का लगाया आरोप।